दिस वन, ठीक है। मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ओके, क्लियर है, नज़र आ रहा है? जी सर, याद आ गया, क्वेश्चन किया था। इसमें बड़ा एक एंड में एक बड़ी वो लगानी पड़ती है मैथमेटिक्स। जी हाँ, तो वो इसी वजह से ये थोड़ा सा मैंने कहा था, इसके एग्जाम्पल को थोड़ा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आइडिया क्या है कि हमारे पास एक रिजिड बार है बी डी ई, सही है, ये जो नीचे वाली बार है बी डी ई। अच्छा, जब जिस बार के अंदर रिजिड का वर्ड लिखा होगा ना, तो वो वर्ड बार जो डिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ये नोटिस कर लिया करो कि किसी के साथ रिजिड तो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो बार डी बी डी ई जो है इट सेल्फ डिफॉर्म नहीं होगी, ठीक है। इसके साथ दो लिंक्स अटैच हैं, ए बी और सी डी, ठीक है। इन लिंक्स के अंदर ऑब्वियसली कोई टेंशन या कंप्रेसिव फोर्सेस जो है वो जनरेट होंगी, ठीक है। और ये डिफॉर्मेबल लिंक्स है, ठीक है ना। बी डी ई जो है वो डिफॉर्मेबल नहीं है, वो रिजिड है, जबकि ए बी और सी डी जो है वो डिफॉर्मेबल है, ठीक है। तो इनकी हमें जो है वो एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवेन है। ए बी का जो लिंक है ये एल्यूमिनियम का है, और जो आपके पास सी डी लिंक है वो स्टील का है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी गिवन है दोनों बार्स का, एक का जो है 500 मिलीमीटर स्क्वायर है और सेकंड का जो है 600 मिलीमीटर स्क्वायर है। आपने कैलकुलेट क्या करना है, फॉर दी 30 kN फोर्स, जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है, वी नीड टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन इन ईच बार, ठीक है। अगर आप लोग वो आप लोग कर रहे हैं क्या, जो मैकेनिक्स वाले प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं, अभी चलो मैं एक सर, एक एक चीज, जी भाई बेटा बेटा बोलो बोलो। सर ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल है। ये इसमें एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो प्रॉब्लम, रहा, रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है उमर। रिकॉर्डिंग हो रही है, अच्छा हो रही है। हाँ सर, ठीक है ठीक है। फिर। इसमें जो है ना, ये एक जनरल तो हमने आइडिया के लिए, देखो आपने सेंटर में फोर्स जब अप्लाई कर रहे थे ना, ठीक है, तो जब सेंटर में अप्लाई कर रहे थे तो ये पूरा जो बीम है वो एक साथ डिफ्लेक्ट कर रही थी डाउनवर्ड, ठीक है। तो हर जो आपके पास रॉड है उसमें सेम डिफ्लेक्शन हो रही थी, ठीक है। ये एग्जाम्पल आप खुद से कर सकते हो, मैं सिर्फ आइडिया यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था कि ये पूरी जो आपके पास नीचे रॉड है वो एक साथ डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ए बी की डिफ्लेक्शन अलग होगी, सी डी की डिफ्लेक्शन अलग होगी, और पॉइंट ई की डिफ्लेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम फोर्सेस को फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि अगर मुझे इन लिंक्स के अंदर डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है तो फोर्सेस का पता होना ज़रूरी है कि इस पर फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। और कल जो हमने वो फॉर्मूला यूज़ किया था ऑफ दी, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, दिस वन, ठीक है। ये जो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमने यूज़ किया था कि अगर कोई भी आपके पास नॉर्मल टेंसाइल या कंप्रेसिव फ्लूइड अप्लाई होता है तो वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। जिसमें फोर्स इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है, एरिया और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो मैं इस लिंक बी डी ई को जो है वो एज अ सेपरेट लिंक कंसिडर करके इस पर फोर्सेज कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस पर दो फोर्सेज आएंगी, एक ए बी की और एक सी डी की, ठीक है। और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग द लिंक होगी, क्योंकि ये टू फोर्स मेंबर है, ठीक है। ए बी और सी डी जो है वो अलॉन्ग द लिंक होंगी क्योंकि ये टू फोर्स मेंबर है, ठीक है। अब मैंने ये बात इतनी दफ़ा रिपीट कर दी है, मेरे ख्याल में अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि टू फोर्स मेंबर में फोर्सेस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो इस डायग्राम जो आपके पास फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है, इसमें दो अननोन्स हैं ए बी एंड सी डी, ठीक है। इनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले केस में जो है वो बी पे मोमेंट लिया हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है, और उसकी बेसिस पे आप जब मोमेंट कैसे ले सकते हैं, -30 kN की एक फोर्स आएगी, ठीक है। ये जो है आपके पास एक क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा और इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 0.6 मीटर। और इस तरीके से जो सी डी की फोर्स है वो आपके पास एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा और इसका डिस्टेंस कितना है, इसका मोमेंट आर्म कितना है, 0.2 है, ठीक है। तो फोर्स सी डी जो आ गई है वो हमारे पास है 90 kN की, और प्लस साइन के साथ आ रही है, तो ये टेंसाइल फोर्स है। इसी तरीके से समीशन, या तो मैं समीशन एफ आई लगा सकता हूँ या देन समीशन मोमेंट कैलकुलेट ले सकता हूँ डी पर, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप फोर्स ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं नहीं बता रहा कैसे होगा दोबारा, ये आप लोग बहुत इजी तरीके इजी आप लोगों के हैं, क्योंकि आप स्टेटिक्स को मैं बहुत दफ़ा सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेंबर ए बी है इसके अंदर जो फोर्स आ रही है वो कंप्रेसिव फोर्स है, ठीक है ना, माइनस साइन आ रहा है, ठीक है, तो ये कंप्रेसिव फोर्स है। तो अब डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो पॉइंट बी की डिफ्लेक्शन है, ठीक है, पॉइंट बी कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, कंप्रेसिव फोर्स है ना, तो ये इनवर्ड मूव करेगा, ठीक है।
जबकि पॉइंट डी जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा क्योंकि इसमें टेंसाइल फोर्सेज होंगी, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे दो सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम शो हुई है, ठीक है। जो मेंबर ए भी है उसके अंदर कंप्रेसिव लोड अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि जो ये लिंक है इस ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेगा, जबकि जो पॉइंट डी है उसमें एक टेंसाइल फोर्स अप्लाई हो रही है तो वो डाउनवर्ड मूव करेगा, इस फोर्स जो 30 किलो न्यूटन की फोर्स है उसकी वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट बी की डिफ्लेक्शन पता कर लेते हैं, इसकी हमें फोर्स पता है, लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है, लेंथ ऑफ द रॉड 0.3 और दूसरी वाली 0.4 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द रॉड 0.3 आ गई, एरिया भी हमें गिवन था और इसका जो ई की वैल्यू है जो विच इज द मॉडुलस वेलोसिटी वो गिवन है। डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट बी आ गई विच इज -5 ये माइक्रोमीटर्स में, ठीक है ना, -514 माइक्रोमीटर्स या 0.514 जो है ये मिलीमीटर्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 0.514 मिलीमीटर्स हो जाएगा या 514 माइक्रोमीटर्स हो जाएगा। साइन जो है नेगेटिव साइन जो आ रही है वो क्या शो कर रही है कि ये कॉन्ट्रेक्शन में है ये मेंबर, ठीक है ना, एलोंगेशन नहीं हो रही, इसके अंदर कॉन्ट्रेक्शन हो रही है, ठीक है। अब दूसरा मेंबर ले लेते हैं विच इज सी डी, इसमें भी डिफ्लेक्शन के लिए हमें लोड पता है, इसका जो लोड है वो फोर्स यहाँ पे जो आ गई है हमारे पास एफ सी डी, ठीक है, 90 किलो न्यूटन की उसको यूज करेंगे, ठीक है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम सिंपली इसकी भी डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारे पास है 0.3 मिलीमीटर, ठीक है। अब जो मैंने क्वेश्चन बता रहा है क्यों इंपॉर्टेंट समझा था कि हमें पॉइंट ई की भी डिफ्लेक्शन पता करनी है, ठीक है, और यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मालूम अबाउट लोड, सॉरी अबाउट उसकी प्रॉपर्टीज की कि हम इसको फाइंड आउट कर सकें, एक्सेप्ट हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम मैथमेटिक्स को या ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर लें, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो लाइन है बी एच डी ई, सही है, ये वो लाइन है जिसपे कोई भी लोड अप्लाई नहीं हुआ है, सही है, जीरो लोड डिफ्लेक्शन की लाइन है, ठीक है। जब कोई लोड अप्लाई होगा, ठीक है, तो ये वाली लाइन जो है आपके पास अपेयर हो जाएगी विच इज बी डैश एच डी डैश ई डैश, ठीक है। ये जो डैश वाली लाइन है ये आपके पास आफ्टर डिफ्लेक्शन, दोबारा से बोलो, ई नोट कैसे आएगा ये, ये ई नोट का बताएंगे, नीचे वाला कहाँ पे लिखा है, ई नोट जो है ना, ई डैश जो है, ई डैश डायग्राम, अच्छा ई प्राइम बोल लो ना, ठीक है, ई प्राइम जो है ये बता रहा हूँ ना कैसा आएगा, इसी को तो हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमें कि बी प्राइम और बी का डिस्टेंस पता है, ठीक है, क्योंकि ये जो रॉड है पॉइंट बी जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है ना, इसमें कंप्रेशन हो रही थी, ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ये कंप्रेशन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर रही है कितनी थी, 514 माइक्रोमीटर्स या 0.514 मिलीमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको पता कर लिया, ठीक है। पॉइंट जो डी है, ठीक है, वो एलोंगेट हो रहा है तो वो नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अभी ये पूरी लाइन आप अज्यूम करो कि पूरी लाइन मौजूद नहीं है, हमें सिर्फ दो पॉइंट्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, एक बी डैश की इन्फॉर्मेशन मौजूद है और एक डी डैश की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। इसकी बेसिस पे हम इन दोनों पॉइंट्स को जब कनेक्ट करेंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है, और ये जो पोजीशन है एच, ठीक है, जहाँ पे आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मुझे पता चल जाएगा जब मैं ये ट्रायंगल सॉल्व करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रायंगल्स को देख लेते हैं क्या, यहाँ पे हमारे पास तीन ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, तीन ट्रायंगल्स जो है वो इमेजिनरी पॉइंट है ना, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ बी और डी पॉइंट, हाँ एक्चुअल में तो सिर्फ बी और डी लोकेशंस ही हैं, ठीक है। हमने प्रॉब्लम को सिंपलीफाई करने के लिए जो है ये एच पॉइंट लिया है, उसकी वजह बताता हूँ क्यों, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ना हमें अननोन है अभी, ठीक है ना, ट्रायंगल को कंप्लीट करने के लिए ये डिस्टेंस एक्स जो है वो अननोन है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल लिया बी डैश बी एंड एच, ठीक है, और फिर सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल का रूल अप्लाई करेंगे कि जो लेंथ ऑफ द साइड्स है उनका रेशियो बराबर होता है, ठीक है। तो बी बी डैश जो लाइन है, ठीक है, ये वर्टिकल जो परपेंडिकुलर है और इसका जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनका रेशियो ले लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमें गिवेन है, नॉन है, ठीक है। देन जो बेस है उसका रेशियो जो लेंगे वो भी बराबर होगा, ठीक है ना, यानी कि जो सेम साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर होता है, ठीक है ना, जो परपेंडिकुलर्स का रेशियो है वो बराबर होगा जो बेसिस का रेशियो उसके, ठीक है, फॉर सिमिलरिटी ट्रायंगल्स। तो जो हमारे पास डिस्टेंस बी एच है, बी एच डिस्टेंस ये वाला है सर, जी
तो सिमिलरिटी आप डिफाइन कैसे करेंगे? एंगल के एंगल एंगल के बेसिस पे दोनों के एंगल्स जो है ना बराबर होने चाहिए. सही है सर, थैंक यू. दोनों ट्रायंगल्स के एंगल्स जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना. अगर तुम ऑल्टरनेट सर ये इसमें ये समझ नहीं आ सर, इन्होंने क्यों इसको डिवाइड किया बी बी डैश और डिवाइड बाय डी डी डैश, ये करने की क्या जरूरत पड़ी? दोबारा से बोलो बेटा. सर ये डिफ्लेक्शन एट ई पे इन्होंने क्यों डिवाइड किया बी बी डैश डिवाइड बाय डी डी डैश? बेटा मैं ये तो बता रहा हूँ कि आप दो ट्राइंगल्स को सॉल्व कर रहे हो कि उनकी सिमिलरिटी है, ठीक है. जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनका एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है, और उनकी जो साइड्स का रेशियो है हम उनको बराबर कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज फ्रॉम योर ट्रिग्नोमेट्री, मैं इसमें कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल्स हैं उनकी साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर होता है, ठीक है. तो इसलिए हमने पहले ये वाला ट्राइंगल कंसिडर किया है, ठीक है. इसमें ये वाली लेंथ मुझे मालूम नहीं है, ये 200 B से H तक की जो लेंथ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे कंप्लीट लेंथ मालूम थी वो कितनी थी 200. H और D का जो डिस्टेंस है वो X है, तो ये वाला जो डिस्टेंस कितना रह गया कि 200 माइनस X रह गया, ठीक है, जो हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया, विच इज ट्राइंगल, ये जो ये वाला ट्राइंगल आ गया. फिर H D और D डैश का जो ट्राइंगल है इसकी बेस क्या है, वो H D है और इसका जो डिस्टेंस है वो X आ गया, ठीक है. इसके सोल्यूशन से मुझे ये पॉइंट X पता चल जाएगा कि आपके पास ये इंटरसेक्शन किस पॉइंट पे हो रही है, ठीक है. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये वाला डिस्टेंस पता चल गया है, तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले सकता हूँ एच डी डी डैश और एच ई ई डैश, ठीक है. अब इनकी सिमिलरिटी को यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड आउट दिस डिफ्लेक्शन डेल्टा ई, ठीक है. और अगेन इसको मैं देख लेता हूँ कैसे किया हमने. ई और ई डैश लिया है, ये अननोन है, ठीक है. डी और डी डैश ये हमें नॉन है, ठीक है. देन बेसिस का रेशियो ले लेते हैं, एच ओ डी हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, विच इज 73.7 मिलीमीटर, ठीक है. और जो हमारे पास टॉप पे कितना डिस्टेंस हो गया एच डी और डी ई, सही है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये हमारे पास 400 मिलीमीटर है और एच ओ डी का जो डिस्टेंस है वो 73.7 है. इसकी बेसिस पे सिर्फ ये डिफ्लेक्शन आ जाएगी, ठीक है. क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक सेकंड जवाब दे रहा हूँ, बात कंप्लीट कर लो, ठीक है. इस क्वेश्चन में सिर्फ कॉम्प्लिकेशन क्या थी, वो यही पॉइंट था जहाँ पे आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. इस तरह का कोई और क्वेश्चन भी आपके बुक में बहुत सारे मौजूद हैं जहाँ पे आप सिर्फ ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से जो है ना सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, ठीक है. हाँ बताओ सर. मैं ये कहता हूँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल जो है ये सिर्फ तभी लगाएंगे जब दोनों ट्रायंगल का एंगल सेम हो. जी हाँ, जब अगर आपके ट्रायंगल्स हैं वो उनके एंगल्स हैं बराबर हैं, जब भी आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लगा सकते हैं. सिर्फ आप ये अज्यूम कर लो कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है. सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये है कि जो आपका ट्रायंगल है वो एक सर्टेन नंबर से स्केल हो रहा है, ठीक है. समझ में आ गई बात, यानी कि अगर उम्र को अगर मुझे 100 टाइम्स करके दिखाना है, ठीक है, तो मैं उसकी हर डायमेंशन को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूंगा, ऐसे ही होगा. इसी तरीके से यही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, कि आप ट्रायंगल्स की हर साइड को एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है. हाँ हाँ समझ गया. जिस तरह से जूम इन जूम आउट करते हैं ना, इसी तरह का समझ लो कि सिमिलरिटी ट्रायंगल का भी ये वही मकसद है. हर साइड जो होगी वो एक पर्टिकुलर रेशियो के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, स्केल अप और स्केल डाउन हो जाएगी, ठीक है. ओके तो बाकी बुक्स में और भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स हैं. आप प्लीज़ अगर कोशिश करो कि दो तीन प्रॉब्लम्स अगर आप कर सकते हो तो उसको ज़रूर करो, ठीक है. मैं आप अपने जो हमने क्लास प्रॉब्लम्स करने उस पर आ जाता हूँ.